शराब की ओवररेटिंग से डबल इंजन सरकार पर उठ रहे सवाल। सरकार के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रदेश भर में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का दम भर रहे हैं और अपने एक साल के कार्यकाल में उन्होंने साफ सुथरा शासन चलाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए। लेकिन हैरान करने वाली बात है कि पीएम के जीरो टॉलरेंस पर आबकारी मंत्री का महकमा खुलकर दाग लगाने में लगा हुआ है। राजधानी में ही कुछ शराब ठेकों में जिस तरह से एक एक बोतल पर 200 रुपए ओवररेटिंग का तांडव चल रहा है और आबकारी महकमा जिस तरह से ओवररेटिंग के काले कारोबार पर तिनका भर भी नकेल लगाने के लिए आगे नहीं आ रहा है, उससे सरकार की छवि पर एक बड़ा ग्रहण लग रहा है और इस ग्रहण का असर कहीं निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव में न देखना पड़े, इसको लेकर भी अब सरकार के मुखिया को आगे आकर मंथन करना पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि जिस शराब और अवैध खनन को लेकर भाजपा कांग्रेस पर हल्ला बोलती रही थी, अब वही भाजपा सत्ता में आई तो वह शराब के काले कारोबार पर हो रही ओवररेटिंग को लेकर क्यों खामोश है, यह एक बड़ा सवाल अब राज्य में खड़ा होने लगा है। सरकार के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पदभार संभालने से लेकर अपने एक वर्ष के कार्यकाल पूरा करने पर ऐलान किया था कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के तहत ये काम किया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री के इस सपने पर आबकारी मंत्री प्रकाश पंत का महकमा खुलकर दाग लगाने में लगा हुआ है। पहाड़ों में ओवररेटिंग का काला कारोबार उफान पर है, लेकिन हैरान करने वाली बात है कि जहां समूची सरकार विराजमान है वहां पर भी अगर अधिकांश शराब ठेकों में ओवररेटिंग का काला कारोबार चल रहा है तो यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार आबकारी मंत्री क्यों चिर निंदा में सो रखे हैं। आए दिन ओवररेटिंग की खबरें राज्य में उठ रही है, लेकिन किसी भी दुकान पर कार्यवाही करने के लिए आबकारी महकमा आगे आता हुआ नहीं दिख रहा है। सोशल मीडिया पर तो ओवररेटिंग के खिलाफ आबकारी मंत्री ने बड़े बड़े भाषण देकर आवाम को यह संदेश देने की कोशिश की थी कि शराब पर हो रही ओवररेटिंग करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। धरातल पर राजधानी के अंदर ही शराब के काफी ठेकों में जिस तरह से ओवररेटिंग का काला धंधा मिलीभगत से चल रहा है, उससे सरकार के मुखिया भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की मुहिम को एक बड़ा ग्रहण लग रहा है। क्राइम स्टोरी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून।